प्रोटेस्ट के बारे में तो आपने काफ़ी सुना भी होगा। ये लोकल ड्रेस में फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे। यहाँ तक साइकिल को भेजने में मुझे 24,000 रुपए पे करने पड़े हैं। मुझे अभी दूसरा साल है सर। नाम जो है रमेश शर्मा, जो है इंडियन हिंदी नाम है। अच्छा। और वास्तव में मैं एक जीनी हूँ। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूँ भाई। अभी हम हैं बीजिंग में, तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, एक चाइना मीडिया टेलीविज़न है तो वहाँ पे एक इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू करके और वहाँ से सीधा जो है मैं रेलवे स्टेशन जाऊँगा। तो आज हम धीरे धीरे करके धंडों की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आज बीजिंग को और एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो वीडियो आखिरी तक देखना, मज़ा आने वाला है। और सुबह के बजे हैं 7 और धूप अभी भी इतनी तेज़ हो गई है और हवा चल रही है तेज़। ये है CRI, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। इस बिल्डिंग में हमारा इंटरव्यू है यार अभी, तो हम पहुंच गए हैं टाइम से। और ये देखिए साइकिलें लोड करके लेके जा रहे हैं, साइकिलें एक्सेसिव हो गई होंगी, एक जगह पे लोग लेके आ जाते हैं तो इनको बैलेंस करनी होती है। तो भाई हमने यहाँ पे इंटरव्यू दिया और दिव्या जी हैं हमारे साथ में, दिव्या जी ने हमारा इंटरव्यू लिया, यहाँ पे हिंदी विभाग है इनके रेडियो स्टेशन में। और ये हैं हमारे रमेश शर्मा जी। कैसे? नमस्कार, कैसे हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया। नाम बताइए आपका, रमेश शर्मा कैसे रखा गया? नाम जो है रमेश शर्मा। रमेश सर जो इंडियन हिंदी नाम है। अच्छा। और वास्तव में मैं एक जीनी हूँ। और ये जो रमेश का नाम जो है, मैंने तो यूनिवर्सिटी में ना, मैंने इंडियन टीचर ने मुझे दिया है। इंडियन टीचर ने? हाँ। रमेश तो ठीक है, पर शर्मा कैसे? नहीं, शर्मा जो है वो तो ये पहले हमारे ऑफिस पे ना एक इंडियन कोलिक है, उसने जो हंसी मजाक करते हुए करते है ना, मेरा नाम शर्मा के पीछे के बाद है ना, रमेश के बाद में एक शर्मा लग दिया है। अच्छा। उसके बाद वर्ष 2006 में मेरे पास जो इंडिया जाने और वो लई डी में काम करने का मौका मिला था। अच्छा। और वहाँ पे जाके है ना, फिर वो मैंने देखा है, अरे जो इंडियनों के सारे लोग जो वो तो ये है ना, रमेश शर्मा या तो उसके रमेश के बाद जो है एक और उसका फैमिली नेम है ना, होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे लिए सिर्फ एक रमेश का नाम है वो अजीब सा लगता है। तो फिर आपने शर्मा रख दिया। तो अच्छा लगा रमेश शर्मा जी आपसे बात करके, और मजा आया बहुत सारा आपसे मिलकर, मुझे भी बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने आपको बता दिया है मैं आपका पला फैन हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो भाई सर, लोग जो मैंने देख लिया है बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम टू चाइना। अगर आएंगे तो फिर हम घूमेंगे, बताएगा भी, और हम आपके साथ में एक चाय की चुस्की भी लेगा आराम से बैठ के। चाय की? बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। अच्छा। जगह से जहाँ पे चाय उगाई जाती है भाई, ओरिजिन ऑफ चाय तो यहीं से हुआ है ना। ठीक है जी रमेश जी, थैंक यू सो मच। और दिव्या जी कैसे हैं आप? आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मुझे अभी दूसरा साल है सर। हाँ, तो अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे चाइना का हुआ नहीं है, बट अभी ठीक है 2 साल है, दूसरा साल है, धीरे धीरे मैं भी समझ रही हूँ चीजों को। अच्छा, टाइम तो लगता है। देखिए कहें सबसे बड़ा तो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट है, तो थोड़ा सा तो। लेकिन सर अच्छी बात है ना, देखिए मैं यहाँ पे हिंदी में काम आपको हाँ आप लकली आपको अच्छी जॉब मिल गई है, मतलब इस डिपार्ट अपनी भाषा में काम कर रहे हैं और जो ऑडियंस है हमारी वो इंडिया की ही है। अच्छा अच्छा है, अपने देश के लिए ही काम कर रहे हैं, दूसरे देश में होके भी अपने ही देश। तो ये जो आज हमने इंटरव्यू किया ये कहाँ प्रसारित होगा? ये जो CMG है चाइना मीडिया ग्रुप का हिंदी फेसबुक पेज है। अच्छा। और यूट्यूब चैनल है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको और भी कहीं प्लेटफॉर्म पे। ओके। तो दोस्तों मैं जो है दिव्या जी के घर से इधर आ गया, और मीडिया की बात करूं तो यार यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट मीडिया है, एक जगह ही सारा मीडिया है, और मीडिया वाली जो बिल्डिंग थी उसकी सिक्योरिटी जो है आर्मी करती है यहाँ पे। और इंटरव्यू अच्छा रहा, तो हमने अपने विचार रख दिए उन लोगों के सामने। थैंक यू करूँगा दिव्या जी का और पूरी टीम का जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और इसके अलावा जो भी सपोर्ट मुझे चाइना में मिली सबका यार बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली रविंदर, निरंजन और इधर सत्या भाई और नारायण भाई, जो जो भी मिला यार, मैं नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया यार। मेट्रो लेके मैं तियानमिन स्क्वायर की तरफ आया हूँ, अभी देखते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी तो काफ़ी टाइट है। अभी जो मेट्रो स्टेशन से निकला तो वहाँ पे भी इन लोगों ने मेरी 2 बार चेकिंग की, और अब अलाउ करते हैं कि नहीं तियानमिन स्क्वायर में। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बुकिंग करनी पड़ती है 1 दिन पहले, पर मैंने कुछ किया नहीं, तो मैं यहाँ पर पहुँच तो गया हूँ।
अब आगे अंदर अलाउ करते हैं कि नहीं ये पता नहीं ये है शायद इसके कहाँ से जाना होगा। चलते हैं कोई रोकेगा तो देखें। ये सिक्योरिटी वाले काफ़ी लोग खड़े हैं। काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है ये चाइना की, आप इसको इंडिया गेट ऑफ चाइना कह सकते हो, मतलब गेट ऑफ चाइना इसको बोला जाता है। बहुत हिस्टोरिकल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये चाइना की, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसके अंदर। पहली चीज़ तो देखो यार कितना खूबसूरत बना हुआ है, ये देखिए ये लेक सी बनी हुई है, इसके चारों तरफ पानी का पौंड है, इसके अंदर जो है ये है। तो अंदर अलाउ करेंगे कि नहीं, मैं चल तो रहा हूँ। गेट शायद इसका दूसरी तरफ से है। वुमेन गेट ऑफ द प्लेस म्यूजियम वर्किंग पीपल ऑफ कल्चरल पीस और चैनल स्क्वायर, ये सारी इधर ही है। तो देखते हैं इधर, एक डेढ़ किलोमीटर चलना है हमें। और मेरे पास में ये बैग है यार, ये बैग काफ़ी हैवी है, इसमें लैपटॉप वैपटॉप सब कुछ है। पिटू बैग होता तो दिक्कत नहीं थी, पिटू बैग नहीं है तो थोड़ा तंग कर रहा है। और हैवी भी है, कैमरा वैमरे सारे इसी के अंदर है। एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है यहाँ से डायरेक्ट अपना स्टेशन पे जाएंगे। अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, 1 घंटे का स्टेशन का वो है सफ़र है यहाँ से। ये देखिए चार दीवारी चारों तरफ है इसके, पानी की वॉल भी कह सकते हो अब चारों तरफ है। व्यू बड़ा खूबसूरत है, अंदर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये लोकल ड्रेस में फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो सामने वो वाली बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे इसका गेट है। अब देखते हैं आगे सिक्योरिटी चेक वाले अलाउ करते हैं कि नहीं। ये टिकटॉक पे लाइव आए बैठे भाई साहब, हर तीसरा बंदा यहाँ पे लाइव मिलेगा आपको। यूट्यूब और फेसबुक तो होता नहीं है यहाँ पे, तो इनके लोकल जो सोशल मीडिया हैंडल है उन पे सब लाइव मिलते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू है, देखिए गजब। ये आ गया एंट्रेंस तियानमेन स्क्वायर का भाई, ये देखिए ये सब हिस्टोरिकल जगह हैं। ईस्ट प्रोस्पेरिटी गेट, बीजिंग वर्किंग पीपल्स कल्चरल प्लेस। और यहाँ पे यहाँ तक तो एंट्री है भाई, आगे पता नहीं, यहाँ तक तो मुझे किसी ने नहीं रोका। यहाँ पे फीस वगैरह तो कुछ है नहीं, पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ऐसा मैंने सुना है, बिना रजिस्ट्रेशन आप जा नहीं सकते, ऑनलाइन करना पड़ता है वो अलीपे वगैरह से एक दिन पहले। 1989 में एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा, उस प्रोटेस्ट के बारे में तो आपने काफ़ी सुना भी होगा। वो यहीं पर हुआ था, कहा जाता है काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी उसमें। गूगल पे जाके आप डिटेल देख सकते हो, और भी वीडियो मिल जाएंगी। ये अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, एक यहाँ पे ही जो है जब इनका रिपब्लिक डे होता है 1 अक्टूबर ना, तो उसकी सेरेमनी वगैरह सारी यहीं पे होती है। ये देखिए इनके ऑफिसर की ड्यूटी बदल रही है, एक आएगा एक जाएगा। कैमरा हर पुलिस वाले के पास, हर आर्मी वाले के पास, सबके पास होता है यहाँ पर। ये देखिए यार कितनी खूबसूरत जगह बना के रखी है, और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे लाइनें बड़ी लंबी लंबी लगी हुई हैं, हर जगह लाइनें लगी हुई दिखेंगी आपको। तो लाइनों में खड़े होके और वेट करने का टाइम तो मेरे पास है नहीं हर जगह। अब यहाँ पे आप बैग रख के और जा सकते हो, अपना बैग छोड़ के और आप अंदर घूमना चाहते हो तो घूम सकते हो। तो अब हम जो है, हमारे पास ये बैग है एक्चुअली, इस बैग को हम छोड़ के जा नहीं सकते। और यहाँ से आप टिकट ले सकते हो, यहाँ पर 2-3 म्यूज़ियम है, उन म्यूज़ियम में भी आप विज़िट कर सकते हो। ये जगह बड़ी हिस्टोरिकल है चाइना में, जब चाइना का पहला रिपब्लिक भाषण हुआ था वो यहीं से दिया गया था। और 1989 में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ था वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको नई नई जगह ऐसे ही मैं घुमाता रहूँगा। लाइक फॉलो करते रहिए। मैंने चाइना के अलावा किसी भी देश में इतना डोमेस्टिक टूरिस्ट नहीं देखा, चाइना में डोमेस्टिक टूरिस्ट इतना है ना यार आप सोच भी नहीं सकते। हमारे लोग तो ट्रैवल करते ही नहीं हैं, चाइना के मुकाबले हम जो है 10% ट्रैवल करते होंगे, तो ट्रैवल तो करना चाहिए। और चाइनीज़ लोग पता नहीं क्यों ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। आप ये जितने भी झंडे दिख रहे हो ये अलग अलग ग्रुप हैं, 100-100, 200-200 लोग इकट्ठे ग्रुप में आते हैं, बस की बस भर के। जैसे हमारे भी जाते हैं ना चार धाम यात्रा के लिए और के लिए, तो ऐसे टूरिस्ट के तौर पर ना चाइनीज़ लोग घूमते हैं। अब इसमें आपको फॉरनर कोई एक दो ही दिखेगा, ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। हमें स्ट्रेट जाना है एक बार, टूरिस्ट बहुत है भाई इस जगह पे, भरा पड़ा है सारा, पाँव रखने की भी जगह नहीं है।
लो भाई बीजिंग का लास्ट सबवे है, तो अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन। कितना डीप है यार, जितना ये डीप है ना ऐसे एक बार और है, फिर तीसरी बार में जाके जो है ट्रेन आएगी 40 मीटर की, 40 मीटर ऐसे फिर 40 मीटर ऐसे डीप। ये देखिए ये मतलब पांचवा रेलवे स्टेशन है, ऐसे पांच रेलवे स्टेशन हैं भाई इस सिटी में बीजिंग में, चौथा या पांचवा सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है, इससे चार पांच रेलवे स्टेशन और बड़े हैं। डब्बा नंबर है वो 5 है, सीट नंबर 17 है, ए है, जैसे हमारे भी बुकिंग तो ऐसे ही होती होगी। यहाँ पे चार कलर में ट्रेन आती है, उसका डब्बा कौन सा कहाँ रुकेगा इस जगह से पता चलता है। जैसे ये नीली है तो नीली का डब्बा नंबर 5 है, तो ये नीचे लिख देते हैं कि उसी एरिया में जाके खड़े हो जाओ आप। अब देखिए अभी मेरी सीट नंबर 17 है, तो ये है 18। हाँ देखिए सफाई कर रहा है भाई, 17 होगी, 17 ABC ए है, तो विंडो सीट ए है हमारी। ये जो ट्रेन है मेरी 2 घंटे की है, तो अभी 6 बजे शाम के लगभग 8:30 बजे पहुँचूँगा मैं वहाँ पे, एक बीच में जो सिटी आएगी जहाँ पे ट्रांजिट है मेरा, वहाँ से 1.5 घंटे का गैप है, फिर नेक्स्ट ट्रेन है, नेक्स्ट ट्रेन जो है मेरी पूरी रात की चलेगी, तो कल सुबह 8 बजे जो है मैं पहुँच जाऊँगा मंगोलिया बॉर्डर पे जहाँ मेरी दन्नो है, तो कल हम दन्नो से मिलने वाले हैं भाई। शुगर है यार, मतलब एक हफ्ता मैंने कैसे निकाला बगैर दन्नो के, तो अजीब सा लगता है ट्रैवल करना मुझे तो। हम पहुंच गए हो हट से, अब हमारी जो है नेक्स्ट ट्रेन होएगी वो 1 घंटे बाद होएगी, तो अब हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहीं इंग्लिश नहीं लिखी हुई, बड़ी सिटीज़ में तो इंग्लिश में सब कुछ लिखा होता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ इंग्लिश में नहीं लिखी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर तो पता चल रहा है 4-5 है, पर एग्ज़िट किस साइड है और स्टेशन किस साइड है ये नहीं पता चल रहा यार। ये बॉर्डर पर छोटा सा शहर है जिसका ये रेलवे स्टेशन है, छोटा सा शहर है, बड़ा नहीं है। मैकडी खुला हुआ है, इधर से चेक इन होता है, ऊपर से देखो क्या ज़बरदस्त ये बनाया हुआ है, ये सब वेटिंग एरिया है, एयरपोर्ट से किसी भी एंगल में कम नहीं है, और एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल लेवल का। तो अब यहाँ से जो है हमें लोकल ट्रेन मिलेगी, लोकल ट्रेन जो है बॉर्डर तक जाएगी मंगोलिया की। अब हम जो है इनर मंगोलिया में आ गए हैं, इनर मंगोलिया मतलब जो पुराना मंगोलिया था उसका कुछ पार्ट जो है चाइना के पास है, तो उसको ये लोग इनर मंगोलिया बोलते हैं। तो अब मुझे जो है यहाँ पे आगे आप देख पा रहे हो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, कम से कम 500 मीटर तक, तो यहाँ पे मेरे को चेक करनी पड़ेगी कि मेरी ट्रेन कौन सी है। मेरी ट्रेन है 7932, 10:48, 10 मिनट लेट होगी यार ये, अभी तक इन्होंने बोर्ड नहीं लगाया कि कौन से पे आएगी। तो अब अंदर जाके बैठते हैं और वेट करते हैं। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बड़ा नहीं कहूँगा मैं इसको, बड़े इससे कई गुना ज़्यादा है यहाँ पे। मैं खुश हो रहा था, मैंने इटली का देखा, मैंने US का देखा, मैंने यूरोप का देखा, पर चाइना के रेलवे स्टेशन के आगे सब फीके हैं भाई, फीके फीके नहीं है, बिल्कुल ही फीके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम किया इन्होंने भाई, ये लोकल ट्रेन है भाई। इस ट्रेन में जो है मेरी वो अभी बुकिंग, देखते हैं कैसी मिलती है। सी सी लो जी, ये आ गया अर्लिन, लास्ट सिटी आ गया हमारा चाइना का। अब हमारी दन्नो वेट कर रहे हैं, सुबह के 6:30 हो गए हैं, यहाँ सनराइज 4:30 ही हो जाता है यार। तो ये ट्रेन थी जिसके अंदर मैं आया हूँ, वहाँ से एग्जिट पॉइंट होगा, वेट करना पड़ेगा, 9 बजे ऑफिस खुलेगा दन्नो का कोरियर वाला, तो
तब तक हम वेट करते हैं। ये SF कोरियर है, इसमें दन्नू आई होगी, तो मैं अब इनके गोदाम में जा रहा हूँ दन्नू को लेने के लिए। 5 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूँ। स्टेशन पे तो टैक्सी थी पर मेरे पास टाइम था। लो भाई, दन्नू इज़ रेडी, मैं भी रेडी हो गया हूँ। डब्बों को मैंने फेंक दिया और दोबारा से कर लिया इसको तैयार। और अब बाहर निकल के देखा तो बादल हो गए। 20 मिनट लगे मुझे तैयार करने में। पूरी की पूरी पैक आई थी, कुछ ऐसा था नहीं कि इसको खोल के डाला गया था। और आपको बता दूं कि वहाँ से यहाँ तक साइकिल को भेजने में मुझे 24,000 रुपये पे करने पड़े हैं। 2100 बना रखे थे पर 1900 में मान गए थे। वो एक्चुअली क्या है, इस तरह के लकड़ वाले पैक उसमें पैक करके लाए थे। अदरवाइज़ जैसे ट्रक है, ट्रक फुल लोडेड है, इसके अंदर अगर डालते सीधा तो साइकिल टूटने का डर था, इसलिए ये ऐसे पैक करके लेके आए। अभी फ्लैग लगाना बाकी है और बस सामान को भी थोड़ा सेट करना पड़ेगा। यहाँ से जो है मैं बॉर्डर पे जाके, बॉर्डर से मतलब इधर से बॉर्डर उधर, आप बाय साइकिल बाय पैदल नहीं कर सकते, तो आपको 500 मीटर के लिए इधर से उधर जाने के लिए या तो कोई टैक्सी या कोई बस चाहिए। टैक्सी वाला तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, तो कोई बस जाती होगी तो मैं बस से इधर से रख के उधर उतार दूँगा। सिर्फ 500 भी नहीं, 250 मीटर का गैप है। लो भाई, मैंने एक होटल ले लिया यहाँ पे। होटल के अंदर मैंने दन्नू को खड़ा कर दिया। होटल से अब मैं निकला हूँ बाहर। तो मैंने क्या प्लान किया कि मैं आज यहीं पर रुकूँगा और कल सुबह जो है यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करूँगा, क्योंकि मैंने एक ग्रुप है हमारा साइकिलिंग का, उस पर डाला कि मैं ऐसे बॉर्डर क्रॉस करना चाहता हूँ, तो सब बोले कि साइकिल से अलाउ नहीं है, ना ही ट्रेन से अलाउ है, तो कैसे करोगे वो देखने वाली बात है। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी लोगों से, क्योंकि टैक्सी भी कई बार अलाउ करते हैं कई बार नहीं करते, तो अब बॉर्डर क्रॉस करना मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अदरवाइज मैं बस में रखूँगा इधर और उधर निकल जाऊँगा। सिर्फ 500 मीटर चलना है, 500 मीटर का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भी प्रॉब्लम है। बस लैंड से आप जा नहीं सकते, इनके रूल हैं, बस रूल के आड़े आ रहे हैं हम। उससे पहले मैंने सोचा कि सब जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें चाहिए मुझे, अगर कुछ यहाँ पे मिल जाती है कॉफ़ी वगैरह, तो चाइना साइड से ही लेके जाऊँ। मंगोलिया में पता नहीं मिलेंगी कि नहीं, और मिलेंगी तो एक्सपेंसिव या सस्ती, चलो वो तो बाद की बात है। पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर लेनी चाहिए आदमी को। तो भाई, हम सामान ले आइए, ब्रेड, दूध, फ्रूट, सब्जी, ये सब लेके आया हूँ। और पास ही मेरा होटल है, तो अब होटल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में 2 बार पुलिस वालों ने रोक लिया मुझे। बॉर्डर का एरिया में थोड़ी दिक्कत है यार यहाँ पे। पासपोर्ट देखा और तो कुछ बोला नहीं। ये बैंक ऑफ चाइना है और सामने एक बिल्डिंग बनाई हुई है। डिज़ाइन देखो इसने बिल्डिंग का कैसे डेवलप किया, कैसीनो टाइप कुछ लग रहा है मुझे तो। यहाँ मंगोलियन और चाइनीज़ दोनों लिखी हुई मिलेंगे आपको इस सिटी में, और लोग जो है मंगोलियन बोलते हुए मिलेंगे। एक्चुअली ये इनर मंगोलिया है, पुराना तो मंगोलिया ही था ये। ये होटल है मेरा भाई, ये होटल लिया मैंने, दन्नू को अंदर खड़ा कर दिया। ये होटल मुझे मिला है 150-1800 रुपये में, तो मैं अब यहाँ पर आराम से अपना सामान वामान सारा पैक कर सकता हूँ, दन्नू पर दोबारा से रीलोड कर सकता हूँ।